कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की जो खबर है कृषि बाजार से, गेहूं के मार्केट से आ रही है। गेहूं के बाजार में सरकार का गेहूं जो स्टॉक है वो कमजोर होने की खबरें आ रही हैं। विस्तार से इस पर नजर डालेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे पूरी रिपोर्ट के बारे में, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो रिपोर्ट के मुताबिक देश के केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 16 साल से सबसे कम स्तर पर पहुंच चुका है। इसकी वजह बीते 2 वर्षों में गेहूं के उत्पादन में कमी आने के बीच सरकार द्वारा गेहूं का दाम पर काबू रखने के लिए घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति को बढ़ाना है। वरिष्ठ सरकारी ने एक ये कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल को केंद्रीय भंडारण में 75 लाख टन गेहूं का भंडारण था, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 83,50,000 टन से कम था। बीते एक दशक में देखा जाए तो 1 अप्रैल से केंद्रीय भंडारण में गेहूं का औसत जो भंडार है वो 167 लाख टन के आसपास रहा है। गेहूं के दाम पर काबू करने के लिए पिछले साल सरकार द्वारा रिकॉर्ड 100 लाख टन गेहूं बेचने के कारण इसके भंडारण में कमी आई थी। गेहूं की आपूर्ति कमजोर होने के बाद भी भारत सरकार आयात को बढ़ावा देने के लिए आयात पर लागू 40% शुल्क हटाकर रूस जैसे देशों में इसका आयात करने के विरोध में लगातार बनी हुई है। सूत्रों का कहना यह है कि सरकार ने बड़ी मात्रा में सरकारी गेहूं भंडारण से गेहूं की बिक्री करने के बाद भी इसके भंडार को बफर से नीचे नहीं गिरने दिया है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि गेहूं का स्टॉक 100 लाख टन से नीचे ना जा पाए, और केंद्र सरकार ने बफर के नियम के मुताबिक 1 अप्रैल को गेहूं का स्टॉक 74,60,000 टन के आसपास या फिर इससे भी अधिक कर दिया है। मुंबई के एक डीलर के बारे में कहना यह है कि सरकार ने अगले सीजन में गेहूं का स्टॉक बफर नियम से अधिक रखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए इस साल किसानों को 300 से 320 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य दे रखा है। भारत में 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति कमजोर पड़ने की वजह से इसके निर्यात मांग बढ़ने के बीच गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध काफी हद तक लगा दिया गया। डीलर का यह कहना है कि अगर सरकार जरूरी मात्रा में गेहूं खरीदने में विफल रहती है तो शुल्क मुक्त गेहूं के आयात पर भी विचार कर सकती है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो सरकार का गेहूं स्टॉक कमजोर करने की वजह से पिछले 16 साल के सबसे निचले स्तर पर जो गेहूं का भंडारण है वो पहुंच चुका है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और कृषि बाजार से जुड़े और गेहूं के बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।